हाय फ्रेंड्स, आज मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी। आपने पनीर, मटर पनीर, शाही पनीर, कोफ्ता पनीर खाया होगा, लेकिन आपने मटर पनीर, आलू की शिमला मिर्च सब मिक्स करके सब्जी खाई है क्या? अगर नहीं खाई है तो इस ट्रिक से बना के जरूर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ये मैंने पनीर कट करके ले लिया है, आलू भी कट करके ले लिया है, शिमला मिर्च भी कट करके ले लिया है, प्याज, लहसुन, मिर्ची और ये फ्रोज़न मटर। तो प्याज, लहसुन, मिर्ची को हम ग्राइंडर में डालेंगे, इनका हमको पेस्ट बनाना है। आप जितना तीखा पसंद करते हैं मिर्ची उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो चलिए सबसे पहले इनका हम पेस्ट बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मसाला मैंने बना लिया है, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में हम तेल डालेंगे, इसके बाद हम आलूओं को डालेंगे और फ्राई करेंगे। गैस को धीमा ही रखेंगे। आलूओं को फ्राई कर लिया है, में पनीर भी फ्राई कर लेंगे। पनीर को भी हम निकाल लेंगे। इसी तेल में अपना मसाला डालेंगे। सबसे पहले जीरे को डालेंगे, प्याज के पत्ते ही शिमला मिर्च डालेंगे, मटर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर भी डालेंगे कलर के लिए। पनीर और आलू को भी साथ में डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर,
इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। चलाने के बाद तकरीबन 20 मिनट तक इसको हम ढक्कन ढक के पकाएंगे। खोल के देखेंगे सब्जी मेरी थोड़ा सा पक गई है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इसको ढक के 10 मिनट तक और कुक करेंगे। खोल के देखेंगे सब्जी मेरी अच्छी तरह से पक गई है और हल्की सी इसमें ग्रेवी भी आ गई है। अब ये हमारे पास थोड़ा सा केचप और पनीर मसाला है, दोनों को एक में मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। मिक्स करेंगे पनीर आलू मटर की सब्जी। फ्रेंड्स बनके तैयार हो गई है। अब इसको प्लेट में निकालेंगे हम।